स्टार्ट करते हैं पार्ट सिक्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इलेवेंथ बायोलॉजी से। अभी हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म, और अगर आपको इसके पहले के पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर मेरे चैनल पे इलेवेंथ बायोलॉजी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। वो कह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लाइट्स, मतलब जो रोशनी होती है, वो देनी पड़ती है ताकि वो फ्लावरिंग स्टार्ट करें, मतलब फ्लावर उगाना शुरू करें। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। ये भी देखा गया है कि जो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, वो ड्यूरेशन को भी मेजर कर पाते हैं कि कितनी लाइट उनको चाहिए, कितना एक्सपोजर उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनको एक्सपोजर चाहिए होता है लाइट का कुछ पीरियड से, एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, वाइल अदर मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम। जैसे कि एक पर्टिकुलर हमने लिमिट रख दी कि इतना लाइट है, अब कुछ को उससे ज़्यादा ही लाइट चाहिए होती है और कुछ को उससे कम लाइट चाहिए होती है। तो डिपेंड करता है, प्लांट्स को अलग अलग लाइट एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। द फॉर्मर ग्रुप ऑफ अ प्लांट और कॉल लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, यानी कि जो पहले वाला है जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है उसको लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं, वाइल द लेटर वन इज टर्म शॉर्ट डे प्लांट। जो दूसरे वाला है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अब कौन सा फिक्स क्या होगा कि इसके बाद ज़्यादा चाहिए या इससे कम चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, ये जो चीज़ है ये क्रिटिकल ड्यूरेशन, ये सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। देयर आर मेनी प्लांट्स हाउ एवर वेयर देर इज़ नो सच कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, सच प्लांट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। यानी उसने क्या बोला, कई ऐसे प्लांट भी हैं जिनका कोई कोरिलेशन नहीं होता लाइट ड्यूरेशन से और फ्लावरिंग से, मतलब कोई मतलब नहीं है कि इतनी लाइट मिलेगी तो ही फ्लावरिंग शुरू होगी या इससे कम मिलेगी तो फ्लावरिंग शुरू होगी। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। इट इज़ नाउ ऑल्सो known that not only the duration of life period but the duration of dark period is also of equal importance. ऐसा नहीं है कि सिर्फ light period ही important है, मतलब कि आपको इतनी देर light मिली तो उतनी देर light ज़रूरी है, no, it's not like that. आपके लिए dark period भी उतना ही equal important है, ठीक है। Hence it can be said that flowering in certain plants depend not only on the combination of light and dark exposure but also their relative durations. मतलब उसने क्या बोला कि हम ये कह सकते हैं जो फ्लावरिंग है वो सिर्फ लाइट और डार्क एक्सपोजर पर डिपेंड नहीं करती, और बल्कि वो कितने टाइम के लिए होते हैं उसके लिए भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियडिज्म। मतलब कि ये जो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है ना अलग अलग उसका क्या कहते हैं ड्यूरेशन को देख के, कितना डे इतना नाइट में, उसको हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपिसिस मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपिसिस प्रायर टू फ्लावरिंग, दे बाय देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स। अब इसने क्या बोला, ये भी सोचने की बात है, समझने की बात है, जो शूट एपिसिस होती है आगे का जो पार्ट होता है एकदम, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है फ्लावरिंग एपिसिस में, मतलब वो अपने आप को चेंज कर लेता है फ्लावर की फॉर्म में प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर देने से पहले वो अपने आप को चेंज कर लेता है। दे बाय देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स, वो अपने आप से, मतलब ऐसे फोटो पीरियड लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने आप को चेंज करते हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स, यानी जहाँ पे लाइट पड़ेगी, जिस पोर्शन पे डार्क पड़ेगा, जिस पे ये जो चीज़ होती है ना लाइट एंड डार्क डिपेंड होता है, वो क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. ऐसा बोला गया है कि एक hormonal substance है, मतलब hormone जैसा substance है जो responsible होता है flowering के लिए, जिसकी वजह से flowering होती है। This hormonal substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photoperiod. वो क्या कह रहा है कि ये जो hormonal substance है ना, ये leaves में से जाके कहाँ पे shoot apices जो होते हैं वहाँ पे चला जाता है, ताकि क्या हो, जब प्लांट को, मतलब ये कब जाएगा, जब प्लांट को ना थोड़ी सी लाइट मिलेगी तो ये अपने आप, ये हार्मोन जो है ये लीफ से जाके शूट एपिसिस में चला जाता है और फाइनली इट हेल्प्स इन या फिर इट इंड्यूस द फ्लावरिंग, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं अबाउट फोटोपीरियडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट,
तो अलग-अलग है, जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए, जिसको कम लाइट चाहिए, जिसको बिल्कुल लाइट या डार्क से मतलब नहीं होता, जिसकी ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो सब इस फोटो पीरियडिज्म में आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़, ये जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का कि वो कितना ग्रो करेगा, कितना फ्लावर करेगा, किसके बेसिस पे, डे और नाइट के पीरियड पे, उनकी ड्यूरेशन के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्नलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं वर्नलाइजेशन से। देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। मतलब ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स का आना, वो क्वांटिटेटिवली या तो ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितना ज़्यादा है, या क्वालिटेटिवली कि कितनी कम है, कितना कितने टाइम के लिए है, ये डिपेंड करता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, कि अगर कम टेम्परेचर होगा या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उनको फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पे लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर से फ्लावरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड वर्नलाइजेशन। तो इतना तो समझ में आ गया, जो ये वर्नलाइजेशन है वो फ्लावरिंग इन लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन, एनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। जल्दी से रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं होती है, बल्कि प्लांट को टाइम मिलता है मेच्योरिटी तक पहुँचने का। ठीक है, इट एनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। ठीक है, मतलब आराम से प्लांट मेच्योरिटी तक होता है और मेच्योर होता है। वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग को प्रमोट करना, कैसे? लो टेम्परेचर के पीरियड्स। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट वीट, बार्ली, राई हैव टू काइंड्स ऑफ वेराइटी। इनकी दो दो काइंड ऑफ वेराइटी होती है, एक होती है विंटर वेराइटी, एक होती है स्प्रिंग वेराइटी। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। जो ये स्प्रिंग वेराइटी होती है ना, आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग में ही प्लांट करते हैं, मतलब उगाते हैं, और वो फ्लावर देती है एंड प्रोड्यूस करती है ग्रेन कब, जब ग्रोइंग सीजन खत्म होने लगता है। विंटर वेराइटी जो होती है, अगर हम बात करते हैं, इफ़ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मिच्योर ग्रेन। यानी कि अगर उसको हम स्प्रिंग में उगाएंगे तो वो एक फ्लावर या ग्रेन नहीं देगी विद इन अ स्पेन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। इसलिए दे आर प्लांटेड इन ऑटम, यानी विंटर वेराइटी को कब उगाते हैं? ऑटम में। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग। वो जर्मिनेट होती है और विंटर में ही वो स्मॉल सीडलिंग की तरह बाहर आ जाती है। रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग, वो क्या करती है? ग्रोथ दोबारा पकड़ती है स्प्रिंग में। एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर, और मिड समर में आप उसे क्या करते हो? निकाल लेते हो। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो विंटर वेराइटी है उसने क्या बोला कि वो हम विंटर में नहीं उगाते, ऑटम में उगाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बायनियल प्लांट्स। बायनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट आर नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। शुगर बीट, कैबेजेस, कैरेट आर सम ऑफ द कॉमन बायनियल। सब्जेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बायनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिम्युलेट अ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। देखिए, वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसकी फ्लावरिंग किससे मतलब अफेक्ट हो रही है? लो टेम्परेचर से। तो उसने एग्जाम्पल्स दे दिए आपकी विंटर वेराइटी का और ऑटम वेराइटी का। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला कि ये बायनियल प्लांट्स में भी देखा जाता है, वर्नलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीड डोमेंसी। यहाँ पे लिखा है दे आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। कई सीड्स ऐसे होते हैं कि बाहर आपने अच्छी कंडीशन दे दी पर वो ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। सच सीड आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोमेंसी विच इज़ कंट्रोल नॉट बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे सीड्स किसके थ्रू जा रहे हैं? डोरमेंसी पीरियड में, इनएक्टिव स्टेट में जा रहे हैं, जो बाहर के फैक्टर्स कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि एंडोजेनस कंट्रोल होता है, अंदर की चीज़ें कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और कंडीशन विद इन द सीड्स इट्सेल्फ, ये कोई भी चीज़ बाहर से अफेक्ट नहीं होती है, अंदर की जो सिचुएशन है, अंदर की जो चीज़ें हैं उससे कंट्रोल होती है। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिक एसिड, फिनोलिक एसिड्स एंड पैरास्कॉर्बिक एसिड एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज आर सम ऑफ द रीजन विच कॉजेज सीड डोरमेंसी। ये चीज़ें हैं जो सीड डोरमेंसी क्रिएट करती हैं। ठीक है, अंदर की जो फैक्टर्स हैं और जो नाम बताए ये सब।
This dormancy, however, can be overcome through natural means and various other man-made measure. इनको ये जो dormancy period है, inactive state है, इसको हम overcome कर सकते हैं natural means से, किसी natural तरीके से या फिर man-made तरीके से. जैसे कि the seed coat barrier in some seeds can be broken by mechanical abrasion using knives. जैसे कि जो seed coat barrier है, अगर उसके ऊपर seed coat है, cover है, तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? Mechanical abrasion, जैसे कि knives use करके, sandpaper use करके, ठीक है? और vigorous shaking, बहुत ज़्यादा उसको shake करेंगे तो भी हो जाएगा. In nature, these abrasions are caused by microbial action and passage through digestive tracts of animal. अब नेचर में ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये तो हमने एक तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसा कर लेते हैं. नेचर में ये माइक्रोबियल एक्शन की वजह से होता है एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल. मतलब ये कई बार क्या होता है, डाइजेस्टिव एनिमल के एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके ट्रैक से पास होता है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू चिलिंग कंडीशन और बाय अप्लाइंग ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक गिबरेलिक एसिड एंड नाइट्रेट. अगर आपको लग रहा है कि वो रोक रहा है कोई चीज़ उनको, तो क्या चीज़ उनको बढ़ावा दे सकती है? या तो आप उसमें क्या करो, सीड्स को आप ठंडा करो, चिलिंग कंडीशंस दो, या फिर आप कुछ केमिकल्स लगाओ जैसे कि गिबरेलिक एसिड्स या फिर नाइट्रेट लगाओ, ठीक है. चेंजिंग द एनवायरनमेंट कंडीशंस सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अदर मेथड टू ओवरकम सीड डोरमेंसी. आप अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. और दूसरी चीज़ क्या होता है, एनवायरनमेंटल कंडीशन चेंज करना, मतलब लाइट भी चेंज करना, ज़्यादा लाइट दे दी, कम लाइट दे दी, इनसे भी सीड डोरमेंसी हट सकती है. तो ये चीज़ें बोलिए कि सीड डोरमेंसी एक स्टेट होती है जब बाहर के फैक्टर्स होने के बावजूद सब कुछ सही है, लेकिन आप अंदर की चीज़ें मतलब उसको उगने नहीं दे रही हैं, रोक रही हैं. तो आप उन चीज़ों को हटाने के लिए अलग अलग मेथड हैं, ये जो नाइफ, सैंड पेपर, या फिर लाइट, टेम्परेचर, या फिर आपको लिखा हुआ है गिबरेलिक एसिड्स, ये सब फैक्टर्स हैं जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये डोरमेंसी हट सकती है नेचुरली या फिर मैनमेड तरीके से, ठीक है. तो ये था पार्ट 6 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11 बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और 11th एंड 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके आप 11th और 12th बायो के सारे चैप्टर देख सकते हैं. और प्लीज़ उस पर कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे. थैंक यू सो मच.